नहीं आती है। पिछले कल हम लोग श्रवण कर रहे थे एकादशी को बताया कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब होता है अब एकादशी व्रत करके जो कुछ मांगोगे एकादशी आपको सारी इच्छाओं को ये पूरी कर देती है। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे एक एकादशी का नाम पुत्रदा। पुत्रदा मतलब जिसके घर में संतान है नहीं, पुत्र संतान नहीं होती है। पहले नंद बाबा का घर में कृष्ण नहीं थे, उन्होंने बहुत दान व्रत तपस्या कर चुके थे घर में एक बेटा की जन्म हो जाए, लेकिन घर में बेटा ही नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने ये पुत्रदा एकादशी की ना, और रात को दोनों पति पत्नी ने स्वप्न देखा, उनकी गर्भ में एक श्याम सलोना सा सुंदर एक बालक प्रवेश किया नंद बाबा के हृदय से। अरे नंद बाबा के हृदय से मैया यशोदा की गोद में गई, उनने स्वप्न देखा तो उसी से ही कृष्ण जन्म हुए। एकादशी का नाम आज जो एकादशी का नाम सफला। सफला मतलब क्या है? अगर ये एकादशी व्रत कोई करेगा, आप कोई भी काम करो उसमें जरूर सफल होगा, जरूर उसमें सफल होगा, इसलिए इसका नाम सफला। एक एकादशी का नाम विजया। अगर वो विजया एकादशी करोगे ना, कभी भी तुम्हारी कहीं परास्त नहीं होगी, कोई भी काम करोगे उसमें विजय विजय प्राप्त होगी, इसलिए उसका नाम विजया। एक एकादशी का नाम है मोक्षदा, जिसको करने से जीव जन्म मृत्यु का चक्कर से चिरकाल के लिए मुक्त हो जाएगा। एक एकादशी का नाम है अन्नदा, अगर इसको कोई करेगा तो घर में खूब अन्न सस्य आएगी, कभी घर में तुम्हारी अन्न सस्य की कमी नहीं रहेगी। एक एकादशी का नाम इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। अगर ये एकादशी करोगे ना, तुम्हारे घर में लक्ष्मी की पैसा की कमी नहीं रहेगी। इसलिए आप पढ़ करके देखना, अगर आपके घर में कोई व्रत होगा, आप ये एकादशी कथा की व्रत आप पढ़ करके देख लेना, ये एकादशी कुछ भी एकादशी से मांगो ना, ये एकादशी व्रत सारे फल आपको प्रदान करती है। और एक एकादशी का नाम क्या? पाप मोचनी। अगर वो एकादशी कोई करे, जीवन में जितने बड़े से बड़े पाप है वो नष्ट हो जाएगा। देखो आपको सही घटना सुनाता हूँ, मैं विदेश जाता हूँ प्रचार करने के लिए, यूरोप गया था। एक व्यक्ति 2 साल से वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, शरीर हड्डी हड्डी रह गया था, प्राण गले में अटक गया था, किसी तरह से प्राण नहीं चाहिए, इतनी कष्ट भोग रहा था। जब उनको पता चला भारत से कोई संत आए, फिर मेरे को बुला करके हॉस्पिटल में ले गए। वो इंडिया परिवार था, भारतीय है, बोले बाबा पिताजी 2 साल से हॉस्पिटल में पड़े हुए, प्राण गला में अटक गया, प्राण नहीं जा रहे, पैसा तो पानी जैसे बह रहा है, बाबा आप कुछ कृपा कर दो। मैंने कहा एक काम करो, आप एकादशी व्रत परिवार को परिवार एकादशी व्रत करके फल दे दो। बोले बाबा 10 दिन बाकी है, एक एक दिन बड़े कष्ट से बीत रहा है। मैंने कहा तुम लोग संकल्प लो, हम पूरा के पूरा परिवार एकादशी का व्रत इनको फल प्रदान करेंगे। एकादशी आए तो कर लेना, सबके हाथ में फूल पानी दिया, मैंने संकल्प कराया। संकल्प करा के मैं जब जहाँ पर रुका हुआ था किसी भक्तों घर में, जब वहां से किसी भक्तों घर में आया ना, मेरा फोन आया, बोले बाबा पिताजी का शरीर चला गया, पिताजी की मुक्ति हो गई। इतनी महिमा एकादशी की, आप स्वयं करके देख लेना, क्योंकि जो एकादशी है इसका अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण है। जगत में तो 33 करोड़ देवता, अब कितने को मनाओ बताओ? एक को मनाओ दूसरे मुंह फुलाकर बैठ जाएगा, दूसरे को मनाओ तीसरा मुंह फुलाकर बैठ जाएगा। जगत में तो 33 करोड़ देवता, लेकिन जो एकादशी व्रत है ये वाक्य बिहारी, ये मोहन बाबा इसके अधिष्ठात्री देवता है, ये कृष्ण स्वयं इसके अधिष्ठात्री देवता कृष्ण है, ये मोहन है, असली मोहन तो ये मोहन है, ये मोहन बाबा इसकी अधिष्ठात्री देवता, ये कृष्ण स्वयं है। इसलिए कहते ना, जा पर कृपा हरि की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये एकादशी व्रत से माधव तिथि भगवान की तिथि, अगर कृष्ण खुश हो गए ना, 33 करोड़ देवता अपने आप तुम्हारे पर खुश हो जाएगी। अगर कोई व्रत आप नहीं करोगे, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार अगर नहीं करोगे ना, तुम्हारी कोई हानि होने वाली नहीं। लेकिन कहते हैं जो एकादशी व्रत नहीं करेगा हानि है, क्योंकि एकादशी का दिन अर्न में गौ हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या ये जितने सब पाप एकादशी का दिन ये अर्न में आश्रय करके रहता है। इसलिए एकादशी का दिन जो अर्न भोजन करेगा ये सारे पाप लगेगा। इसलिए नियम है एकादशी का दिन अन्न मत खाओ और अन्न किसको मत दिया करो, हैं? लेकिन जीव जंतु को दे सकते हो,
इंसान को नहीं देनी चाहिए और नहीं भोजन भी करनी चाहिए। ठीक है, लगता है यहाँ पर बहुत सारे भक्त एकादशी व्रत रखे हो। कौन कौन रखे हो? हाथ उठा सो। बहुत बढ़िया है, आप लोग के लिए ताली बजाओ कम से कम। इतना भक्त एकादशी व्रत रखे, देखो अभी हम देखो अभी अभी मैंने कथा खोड़ा में कल विश्राम कल हुई है, है? कल विश्राम करके आज यहाँ पर कथा हुई है। लेकिन जितने आप लोग यहाँ पर एकादशी व्रत रखते हो ना, मैंने देखा किसी गांव में इतने लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं जितने आप लोगों ने यहाँ हाथ उठा रहे हो, हैं? इसलिए लगता है गुजरी और गोबर में ठाकुर जी की कन्या की, आप सब गुजरी मतलब गोपी हैं, हैं? इसलिए आप लोग सबको ऊपर में ठाकुर जी की बड़ी आशीर्वाद है, ठाकुर की बड़ी कृपा आपके ऊपर में। ठीक है, इसलिए कल जो एकादशी का की नियम है जो दूसरे दिन एक समय रहता है, कल कितना समय देखो, कल जो एकादशी व्रत का जो व्रत खोलना है, जो चीज एकादशी का दिन नहीं चलता है उसको दूसरे दिन से बाद में रोटी से खुलता है 7 बजे करके। हाँ देखो, सूर्य उदय कितने बजे? 7 बजे। देख लो, देखो आप लोग कोशिश करना कल दूसरे दूसरे समय में रहते हैं 9-10 बजे बंद है, लेकिन कल है 7:26 को अंदर में मुंह में कुछ चावल हो नहीं तो रोटी हो उसको मुंह में डाल देना तो आपकी व्रत खुल जाएगी। लेकिन कोशिश करना 7 बजे को बाद में, लगता है ठंडा समय आ गया ना, अभी सूर्य उदय होते होते थोड़ा लेट होगा, 7:13 बाद में। हाँ देखो, 7:13 को बाद में और 7:26 को अंदर में, इतने कम समय के अंदर में कोशिश करना, 10 मिनट हाँ कोशिश करना 10 मिनट में ही ध्यान देना, तभी एकादशी का ना आपको पूरा फल मिल जाएगा, पूरा फल मिल जाएगी जो मांगोगे एकादशी से, एकादशी वही फल। और ये जो एकादशी आज कौन सा सफल आएगा, मतलब हर चीज में आप सफल रहोगे। ठीक है, इसलिए एकादशी के हमारे श्यामानंद गुरु आपको एकादशी में श्री अंबरीश महाराज कैसे एकादशी एकादशी व्रत रखते थे और ये एकादशी की महिमा कितना है महिमा, ये भागवत में नवम स्कंध में ये एकादशी की कथा आती है। अभी हमारे प्रभु जी आपको कहा गया मैं प्रभु जी, इसलिए एकादशी कितने महिमा है ये आपको अभी इसी विषय पर आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, इसके बाद में फिर कथा को विश्राम देंगे, फिर आप लोग घर में जा करके हाँ आज एकादशी है कोशिश करेंगे 5-7 मिनट एक माला जप करने के लिए, क्योंकि एकादशी का दिन जो एक माला करेगा ना उसको 100 माला करने का फल मिलेगा। ठीक है, प्रभु ओम अज्ञानति विरमन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाषयति सब एक बार हाथ उठा के मेरे साथ बोले बोलो हरे कृष्णा 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 सबसे पहले गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग स्वपाद सपरिवार गौर नित्यानंद प्रभु राधा गोविंद जी समस्त वैष्णव वृंद भक्त वृंद कथा श्रवण करने वाले संस्रोत मंडली समस्त चरण में राम का जथानी दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज एक विशेष तिथि है, अभी गुरुदेव बता रहे थे कि आज श्री सफला एकादशी है। इस एकादशी व्रत को करने से क्या होता है ना, जीवन सफल हो जाता है।
सब लोग वही चीज चाहते हैं, हम कैसे सफलता पाए। कोई विफल होना चाहते हैं क्या? कौन कौन विफल होना चाहते हैं, हाथ उठाओ। तो कोई भी नहीं, इसलिए सब चाहते हैं सफल होने के लिए, लेकिन कोई व्रत रखते करते ही नहीं, प्रोसेस ही करते ही नहीं। देखो श्रीमद् भागवत में इसकी बड़ा महिमा है, ये एकादशी का बड़ा विशेष महिमा है। बता रहे हैं कि अन्य जितने भी उपवास है, जितने भी व्रत है, सारे व्रत को अगर करोगे तो उनके जो अधिष्ठात्र देवता नाराज नहीं होंगे। सोमवार करोगे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, पता नहीं कितने कितने व्रत है। तो बता रहे हैं जो शास्त्र में प्रमाण है और शास्त्र में प्रमाण नहीं है, पता नहीं वो भी व्रत करने लगे हैं आजकल। तो जितने भी व्रत करोगे तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन एकादशी को करना ही पड़ेगा। एकादशी बाध्य है सबके लिए। 8 वर्ष से लेके 80 वर्ष तक आयु तक एकादशी व्रत किया जा सकता है। एकादशी को व्रत अगर नहीं करोगे तो पाप लगेगा, ये निश्चित ही करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम में ये एकादशी का महिमा बहुत स्थान पे वर्णन कर रहे हैं। कुंती महारानी एकादशी व्रत किए हैं और पंच पांडव एकादशी व्रत किए हैं, द्रौपदी माता एकादशी व्रत किए हैं, ये नंद बाबा यशोमती मैया एकादशी व्रत किए हैं, और श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को वर्णन कर रहे हैं। ये एक बड़े विशेष महाभागवत जो विशेष करके उनके नाम आता है, अम्बरीश जी महाराज, ये बड़े सुंदर रूप में एकादशी व्रत किए, इनके महिमा वर्णन कर रहे हैं। तो 2 वंश हुए, चंद्र वंश और सूर्य वंश। सूर्य वंश में राम जी और चंद्र वंश में श्याम जी है। अब सूर्य वंश के वर्णन करते हुए 9वें स्कंद में बता रहे हैं, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से ब्रह्मा के पुत्र मारीची, मारीची के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र बज्रसान सूर्य और उनके पुत्र श्राद्धदेव मनु। उन मनु महाराज जी के एक पत्नी श्रद्धा नाम का एक पत्नी थी, जिससे सबसे पहले एक पुत्री उत्पन्न हुआ, और उसी पुत्री को देख के मनु महाराज बोलने लगे, मुझे तो बेटियां नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए था। लेकिन उनके जो कुल पुरोहित वशिष्ठ ऋषि, उन्होंने उसी लड़की को ही लड़का बना दिया। जो आजकल बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग करते हैं ना, कि हमने बड़ा बड़ा काम कर लिया, कदर उठाते हैं, तो हमारे पहले से ही ऋषि मुनि वो कर चुके हैं। सब चीज वो पहले से ही निर्धारित, सब चीज पहले से ही वेद पुराण निकालोगे ना, सब के सब वही निकल गए आजकल। तो इसमें बता रहे हैं कि कैसे पुरोहित वहां पे से वशिष्ठ जी ने उसी पुत्री को ही पुत्र बना दिया, जिसका नाम था सुद्युम्न। उसके पश्चात फिर मनु महाराज के 10 पुत्र हुए, सरयाति, यजाति और इक्षु और नावाग इत्यादि करके, इस प्रकार 10 पुत्र हुए। और सरयाति महाराज जी के पुत्र रेवत और उनके ही वंश में आए रेवती, जिनको हमारे ठाकुर जी के बड़े भाई ताऊ दयाल ने शादी किया। रेवती रोहिणी, रेवती के पति हुए भगवान दाऊ दयाल। और उसके पश्चात मनु महाराज जी के दूसरे पुत्र नाभक, उनके पुत्र नाभक और उनके वंश में ये आते हैं परम भागवत परम एकादशी कर्ता श्री अम्बरीश महाराज। बोलो अम्बरीश महाराज की। ये अम्बरीश महाराज जी अपने 11 इंद्रियों से पूरा का पूरा, सबसे पूरा मन से भगवान का हर समय सेवा करते हैं और बड़े निष्ठापूर्वक, बड़े नियम पूर्वक एकादशी करते हैं। हम लोग जैसे एकादशी करते हैं ऐसे नहीं, तो किस प्रकार एकादशी करते हैं यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि दशमी को एक बार खाना है, फिर एकादशी तो निराहार, एकादशी को पूरा निराहार, जल भी नहीं ग्रहण करते हैं, पूरा निर्जल व्रत करते हैं, और फिर द्वादशी को यथा समय पे। अभी गुरुदेव बता रहे थे ना कि एक पारण समय होता है, उसी समय के अंदर ही पारण करना चाहिए, ये शास्त्र में बताया गया है। मनमुखी भक्ति नहीं, शास्त्र में जो बताया गया है उसी को ही पालन करना चाहिए। तो उसी समय पे पारण करते हैं, और नियम है पारण करने से पहले गो ब्राह्मण वैष्णवों को विशेष करके दान दक्षिणा भोजन आदि करके फिर उसके पश्चात पालन करना चाहिए। तो ये सारी विधि पालन करते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, नित्य वृंदावन में धाम में वास करते हैं, और वास करते ही बड़े नियम पूर्वक एकादशी पालन किया, और किस प्रकार का सेवा करते हैं। सवे मनु कृष्ण पदार विंदयो वाचां से वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार अच्युत सत्कथोरे
इस प्रकार करते हैं। उपवास, इसका नाम ही क्या है, उपवास। उप यानी भगवान के पास निकट, भगवान के पास बैठना, टीवी के सामने बैठना नहीं, मोबाइल पकड़ कर बैठना नहीं। इस दिन क्या करना, सबसे ज्यादा भगवान का नाम लेना और सारे अपने जितने भी इंद्रिय है जो भोग वृत्ति में लिप्त रहता है उसको सारे जो सारे भगवान को चरण में जोड़ देना। किस प्रकार, ना मन को भगवान के चरण में लगाना। कैसे लगेगा, कैसे लगेगा हमारे मन, तो इसमें बता रहे हैं, परो हरे मंदिर मार्जन आदि सु। ये नित्य नित्य क्या करते थे, अम्बरीश महाराज मंदिर मार्जन करते थे, अपने खुद हाथ से मंदिर मार्जन करते थे। आप लोग बोलोगे हम कहाँ और मंदिर कहाँ है जाके मार्जन करें, तो भैया घर को मंदिर बना लो, घर को मंदिर बना लो। अब देखो घर में ठाकुर जी विराजमान है, घर मंदिर बन गया, अब घर को मंदिर के जैसे मार्जन करो। लेकिन और भी क्या करते थे, ना भगवान के प्रसाद पाते थे। अब घर में अगर प्रसाद बनाओगे, घर में अगर भगवान रह गए, घर में मंदिर हो गया, तो कैसे प्रसाद खाओगे। जो चीज भगवान को भोग नहीं लगता उस चीज को छोड़ना पड़ेगा, जैसे प्याज लहसुन आदि वस्तु, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, तभी तो भगवान को भोग लगा पाएंगे ना, तभी तो भगवान भोग ग्रहण करेंगे। और क्या करते थे, ना हर समय वैष्णवों का सेवा करते थे, और हर समय कानों में क्या सुनते थे, उल्टा पुल्टा गाना ये सब नहीं सुनते थे। ये आजकल के जितने भी गाना आ रहे हैं ना, ये सब नहीं सुनते थे, हर समय भगवान का कीर्तन सुनते थे। जैसे मान लो एक गाना हमने एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया अच्छा लगा, चलो तीन बार सुन लिया, फिर नहाते नहाते गाने शुरू कर दोगे, फिर बनाते बनाते गाने शुरू कर दोगे, फिर कोई दूसरा गाना आ गया, फिर उसको सुनना शुरू कर दिया, इस गाना को भूल गए। और एक बार सुना, दो बार सुना, किसी को बोलो हजार बार सुनो, तो वो क्या करेगा, मोबाइल ही पटक देगा, भाई नहीं सुनना है। लेकिन भगवान के जो कीर्तन है वो अनादि काल से है। आप बताओ भगवान के जो हम आरती करते हैं वो कभी चेंज हुआ है, ऐसा सुना है कि ये कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा, चलो पार्ट टू निकाल देते हैं, हुआ है ऐसा, ऐसा नहीं हुआ है। तो बता रहे हैं कि हर समय भगवान के कीर्तन सुनना चाहिए। और किस प्रकार का आघ्राणम, आघ्राणम करते थे, भगवान के सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाने के बाद उसके जो मकरंदर, उसके जो तुलसी के जो वासना, सुगंधित वासना को उसको विशेष करके आघ्राण करते थे। और पादों के द्वारा चरण की सेवा तब होगा जब हम इधर उधर नाम भटक करके भगवान के धाम के परिक्रमा करें। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपने सारे इंद्रियों के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब नियम पूर्वक एकादशी भी पालन करते थे, और एक समय एकादशी का बड़े विशेष श्रद्धा पूर्वक पालन करने के बाद जब द्वादशी का समय आया, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुला करके विशेष दान धर्म आदि किया, और उसके पश्चात वहाँ पे दुर्वासा ऋषि आ गए भगवत इच्छा से। अब दुर्वासा ऋषि को देख के वहाँ पे अम्बरीश महाराज प्रणाम करते बोले, आइए महाराज आइए, कृपा करके आपका तो बड़े, मेरा तो बड़े सौभाग्य है कि द्वादशी के पारण के समय आप आ गए, कृपा करके पधराइए, आइए भोजन कीजिए। दुर्वासा बोले, अभी त्रिकाल संध्या के समय हो गया है, मैं मध्यान्ह संध्या कर्म स्नान करके आ रहा हूँ। अब दुर्वासा स्नान करने चले गए। अब अम्बरीश महाराज फंस गए, क्यों, क्यों दुर्वासा ऋषि को अगर प्रसाद नहीं खिला के अगर खा लेंगे, पहले अगर पा लेंगे तो क्या होगा, दुर्वासा ऋषि नाराज हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर समय से पहले अगर पारण नहीं करेंगे तो व्रत भंग हो जाएगा, व्रत निष्फल हो जाएगा, क्या किया जाए। तब ब्राह्मणों को परामर्श लेते हैं, और वहां पे ब्राह्मण, जितने सारे ब्राह्मण को परामर्श लेके ब्राह्मणों ने बोला, देखो शास्त्र में विधि है, नौ प्रकार से व्रत नहीं भंग होता है, फल मूल औषधि, ब्राह्मण वचन, गुरु वचन और घृत इत्यादि इत्यादि जल, इस सबसे व्रत भंग नहीं होता। आप क्या करो, निर्जल व्रत रखे, इसलिए चरणामृत ले लो और भगवत चरणामृत से व्रत भंग नहीं होगा। तो अम्बरीश महाराज जी ने ब्राह्मण को आज्ञा अनुसार क्या किया, चरणामृत के द्वारा पारण कर दिया। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि को पता चल गया कि मुझे नहीं खिला करके पारण कर दिया, दुर्वासा ऋषि की आंख टेढ़ी हो गई, क्रोध में कांपने लगे, माथा गर्म हो गया कि मया अतिथि आवेनम निमंत्रण च, कि मुझे निमंत्रण दिया, मुझे अतिथि रूप में वर्ण किया, अध्यक्तम भुक्तम वास्तव्यम, अभी दिखाता हूँ इसको क्या फल दूंगा। तुरंत उन्होंने क्रोध से क्या किए, ना झटकर से अपने एक जटा को निकाले, वही पटक दिए, और पटकते ही कृत्य राक्षस से प्रकट हो गया। और जैसे ही कृत्य राक्षस से प्रकट हो गया तो वो खाने के लिए मुंह फाड़ करके अम्बरीश को खाने के लिए गए।
अम्बरीश महाराज जी तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके वहीं खड़े हो गए। लेकिन भगवान का जो रक्षा कौन करता है? भगवान का भक्तों का रक्षा भगवान के स्वयं अस्त्र, भगवान के अस्त्र ही रक्षा करते हैं। इसीलिए सावधान वहां पे भगवान के सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और सुदर्शन दक्षिणा कृत्या को जाल करके प्राप्त कर दिया। सुदर्शनम महाम ज्वालम दैत्यम कृत्या तु दक्षिणात्। वहां पे दक्षिणा सुदर्शन चक्र ने क्या किया, एक कृत्या को भस्म कर देते हैं और भस्म करने के बाद पीछे लग गए दुर्वासा जी के। अब दुर्वासा जी भागने लगे वहां से, भागते भागते ब्रह्मा लगते गए, बोले परमपिता बचाओ बचाओ परमपिता बचाओ। ब्रह्मा बोले बोले किससे? सुदर्शन चक्र से। ब्रह्मा घबरा गए, बोले भाग जाओ यहाँ से। फिर चल के गए शिव जी के पास और शिव जी को बोले हे भोले बाबा, आप सबको रक्षा करने वाले, आप मुझे सुदर्शन चक्र से बचाओ। शिव जी बोले मेरा अस्त्र होता तो पक्का बचा लेता। अब सुदर्शन किसके अस्त्र है बताओ? सुदर्शन भगवान विष्णु के अस्त्र है। जाओ जिनके अस्त्र उनके शरण में जाओ। तो दुर्वासा दौड़ते हुए भगवान विष्णु के चरण में चले गए, बोले नमो ब्रह्मण्य देवाय वो ब्रह्मण्य हिताय। हे ब्रह्मण्य देवता, आप तो ब्राह्मण और गायों के लिए रक्षा करने के लिए हर समय संकल्पबद्ध है प्रभु, और मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे क्या करो, हे प्रभु मुझे रक्षा करो। भगवान बोलते हैं मैं भी पराधीन हूँ। वो सुन गया दुर्वासा का, प्रभु आपके ऊपर किसके शासन है? आप तो जगत को शासन करने वाले, आपको भला कौन शासन कर सकता है? आप बता रहे हो मैं पराधीन हूँ, आप किसके, आपको भला कौन शासन करता है? तब भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हि अश्वतंत्रैव द्विज साध्वी ग्रस्तहृदयो अहम भक्त पराधीनो। क्या मैं भक्तों का पराधीन हूँ? जिस प्रकार शिव जी और ब्रह्मा जी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि वो मेरे पराधीन के अंदर है, मेरे अधीन में है। इसी प्रकार मैं भी किसके अधीन में हूँ? मैं भक्त के अधीन में हूँ। इसलिए मैं तो हर समय अपने भक्त का ही क्या करता हूँ, कल्याण करता हूँ। अब दुर्वासा बोले भक्त के अधीन भगवान सबसे हो गए, आप भला कैसे हो गए, किस प्रकार हो गए ये भक्त के अधीन? तब वहां पे बोलते हैं कि जिस प्रकार एक सती स्त्री को, एक सती स्त्री और एक सती एक सतपति को क्या करता है, पति को अपने सेवा के द्वारा उसको वशीभूत कर लेता है, उसी प्रकार मैं क्या हुआ हूँ, सेवा और समर्पण के द्वारा मैं भी वशीभूत हो गया हूँ। जैसे सब लोग नए नए शादी करके जाते हैं, पहले दिन तो जाते हैं और जाने के बाद धीरे धीरे घर के अंदर घुसते हैं, सास क्या बोल देगा, ससुर क्या बोल देगा, पति क्या बोल देगा, सबसे धीरे धीरे बात से बात करते हैं। फिर कुछ दिन जाता है सेवा करते हैं समर्पण करते हैं, फिर धीरे 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 ऐसे भाव हो जाता है, जब पति धीरे धीरे आता है कुछ दिन के बाद, जब पति धीरे धीरे घर में आता है वो धीरे धीरे घुसता है, बहुत लेट हो गया शायद, चिल्लाएगी आज क्या बोल देगी, होता है कि नहीं? तो वशीकरण कर लेते हैं, वशीभूत कर लेते हैं सेवा के द्वारा और समर्पण करने समर्पण के द्वारा। तो भगवान भी यहाँ बोल रहे हैं कि भक्त भी मुझे क्या करते हैं, वशीभूत कर देते हैं। वशी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्रियं सत्पतिं यथा, मुझे वशीभूत कर देते हैं इसलिए मैं वशीभूत हो गया हूँ। इसीलिए भक्त को सभा और मैं कुछ नहीं जानता, अब तुम ही बताओ हे द्विज हे ब्राह्मण। यहाँ किसको ब्राह्मण कह रहे हैं? यहाँ दुर्वासा को ब्राह्मण कह रहे हैं और अम्बरीश को भक्त कह रहे हैं। यहाँ पे अम्बरीश कौन है? गृहस्थ है, उनको बता रहे हैं ये भक्त है, और दुर्वासा उसी को बोल रहे हैं आप ब्राह्मण हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्त मुझे सब कुछ अर्पण कर देता है, तन मन यहाँ तक कि मुक्ति की कामना भी भूल करके मेरे सेवा में लग जाता है। अब मैं उसको किस प्रकार छोड़ सकता हूँ, तुम ही बताओ। साधुनां हृदयमयम् साधुनां हृदयद्वयम् मद अन्यन्ते न जानन्ते नाहन्ते प्यमनागपि। कि मैं साधु, साधु लोग हर समय मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं और मैं हर समय साधु के हृदय में वास करता हूँ। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, इसीलिए मैं उनके हृदय में हर समय विश्राम करता हूँ। इसीलिए अब तुम ही बताओ, मैं साधु लोग मुझे मेरे व्यतीत और किसी को नहीं जानते, और मैं भी साधु के अलावा और किसी को नहीं जानता, इसी प्रकार मैं वशीभूत हो गया हूँ।
तो घबरा गए दुर्वासा ऋषि, बोले प्रभु आपके मैं शरण में आया हूँ, आप तो कुछ तो कीजिए, मुझे कुछ तो बताए उपाय कथम स्वामी प्रभु कृपया तदाम बदंती, मुझे बताओ तो क्या करना चाहिए, उपाय तो बोल दो। मांगच्छं तुम्हें ही दुर्वासं भक्ता शब्दं ते, कि तुम क्या करो अभी जल्दी करके और विलंब मत करो, यहाँ पे रक्ष यहाँ से चले जाओ, जा करके जिनके चरणों में अपराध किया उनके पास ही चले जाओ। अब जैसे ही दुर्वासा रूप से भागे भागे घूम घाम कर आगे फिर से क्या अम्बरीश महाराज जी के यहाँ आए, तब तक एक साल हो गया था और एक साल से वो घूम रहे हैं सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घुमाते जा रहे हैं, और दुर्वासा रूप से आके अम्बरीश के चरणों में पड़ गए। अम्बरीश बोले महाराज उल्टा गंगा क्यों बह रहे हो, कहा मैंने आपको आप जैसे ब्राह्मण को नहीं खिला पाए, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, तो दुर्वासा बोले बाद में बात करना, पहले ही सुदर्शन को शांत करवाओ। तब वहां पे अम्बरीश के महाराज जी ने भगवान के शपथ दे करके वहां पे सुदर्शन चक्र को शांत करते हैं और सुदर्शन चक्र तत्क्षणात् अदृश्यम भवे, वहां से ही अदृश्य हो जाते हैं। और जैसे ही दुर्वासा देखते हैं कि मैंने देख लिया आज भगवान के भक्तों की क्या महिमा है, मैंने ये आज देख लिया किस प्रकार भगवान के भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान के अस्त्र साक्षात रूपे ते देव सिद्धि परिगीत पवित्र गाथा जी साधव समद्रुत हृदम प्रपन्नम तामनोपयासित हरे गदया विगुप्तम नैसान वैम्न च प्रभवाम दंडे, कि मैंने देख लिया कि भगवान के भक्तों के चरण में अपराध करने से किस प्रकार का क्या होता है, ना फल भुगतना पड़ता है। तो अम्बरीश महाराज बोलते हैं कि प्रभु आ जाइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो दुर्वासा उसके होश उड़ जाते, आप तो कभी तक भोजन किया नहीं। तो अम्बरीश महाराज बोलते मैंने आपको निमंत्रण किया था, आपको वरण किया था, जब तक आप भोजन नहीं किए तब तक मैं कैसे भला भोजन कर सकता हूँ, इसलिए एक साल तक दुर्वासा मुनि जिस प्रकार भ्रमण कर रहे थे उसी प्रकार एक साल तक अम्बरीश महाराज जी ने कुछ भोजन नहीं किया, अम्बरीश महाराज जी ने भी भोजन नहीं किया। और फिर पारण करवाते हैं दुर्वासा मुनि को, फिर भोजन देते हैं, फिर भोजन करते हैं। तो ये अम्बरीश महाराज जी का इस प्रकार का निष्ठा, खुद व्रत करते हैं, अपने राज्य में सबको एकादशी व्रत करवाते हैं, बताते हैं एकादशी के दिन अग्न में सारे प्रकार का पाप रहते हैं, एकादशी के दिन भगवान ने ये मुरा नाम के दक्ष को दैत्य को भगवान ने अग्न में स्थान दिया, जो इस दिन एकादशी के दिन अग्न खाते हैं सारे राक्षस प्रकृति के होते हैं, और एकादशी के दिन सारे ब्रह्म हत्या गो हत्या भ्रूण हत्या जितने भी भयंकर भयंकर पाप ये सब अग्न में रहते हैं। एक समय अग्न भगवान के पास गए, भगवान बचाओ बचाओ जगत के लोग मुझे खाए ही जा रहे हैं खाए ही जा रहे हैं, तो भगवान बोले तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या करता हूँ एक दिन तुम्हें छुट्टी देता हूँ। अब अग्न तो खुश हो गया, बोल कब कब छुट्टी दोगे, अब कब छुट्टी दोगे। तो अग्न ने बोला, अग्न को भगवान ने बोला कि एकादशी के दिन तुम्हें सारे के सारे पाप आ जाएगा, एकादशी के दिन तुम्हें जो भी भक्षण करेगा उसको सारे के सारे जगत के सारे पाप उसके ऊपर आ जाएगा। अब बताओ आज कौन कौन अन्न खाए, हाथ उठाओ तो, कोई भी नहीं खाए ना, इसलिए देखना एकादशी में अन्न नहीं ग्रहण करना है, और जो जो अन्न खाएंगे अब बताओ आप पाप लेना चाहोगे या पुण्य लेना चाहोगे, दूसरों का पाप लेना चाहोगे या दूसरों का पुण्य लेना चाहोगे, पुण्य लेना चाहेंगे, पाप तो कोई लेना चाहेंगे ही नहीं, इसलिए एकादशी के दिन अगर कोई अन्न खाएगा तो सारे जगत के जितने लोग हैं उनका पाप उसके ऊपर चले जाएगा, इसीलिए ये बड़ा पूरा एक बड़ा एकादशी के दिन अन्न का वर्जित करने का एक बड़ा विधान है, और एकादशी को भगवान के नाम जप का भी बड़ा महिमा है, इसलिए बोलो एकादशी महान की। और अम्बरीश एक माला जप करने के लिए कोशिश करेंगे। देखो ये जो लड़की है ना, ये लड़की ई पे से आ रही है, ई पे जाती है कहाँ से, लंदन से, ये लड़की इंटरनेशनल करते जिसको तनखा ना 3-4 लाख रुपया इसकी तनखा है लड़की की, लेकिन अभी अभी जो पहले अभी जो जिसने पहले उसने कथा सुनाया ना, अभी जो पहले जो कथा सुनाया अभी बहुत बड़ा नौकरी करता है, छोटी बड़ी बहुत मैनेजर किसी अफिसर को भी मैनेजर ही है, और इसकी ये प्रतिनिधि अभी शादी हुई ईव कैसे आई है, ये ईव कैसे आई है, और ये आपको 5 मिनट सुनाएगी।
देखो ये विदेश में रहते हुए भी देखो गले में कंठी तिलक लगाई और 3-4 लाख रुपया इसकी तनख्वाह है विदेश में, लेकिन होते हुए भी भगवान की भजन करती भक्ति करती है। हमारे बड़े गुरु जी का ये शिष्य है, यशोदा, क्या सुना, बोला विदेश में भजन करते हैं, लेकिन विदेश में रहते हुए भगवान की भक्ति का आनंद और कहीं आने के लिए हम विदेश रहते सब लोग चाहते विदेश जाए पैसा कमाते शांति सुख भगवान कितना मुखं करोति वाचालं पङ्गं निद्रं यत्र पादहं वन्दे शिवगुरु वीरदानं नमो विष्णुपदाय राधिकायै प्रियतमे श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्ता नारायणीति नाम्ने वञ्चाकल्पतरूप्यस्य कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। पहले मैं पहले माफी मांगती हूँ कि मेरा हिंदी एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं है, तो पहले से भी माफी मांग रही हूँ। महाराज जी आप क्षमा करो कि मेरा इंग्लिश हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। अंग्रेजी में बोले अंग्रेजी समझ। तो पहले मैं मेरे गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णु पाद स्तोत्र सत्ता शिष्य मत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और फिर इसके बाद मुझे पाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और सब वैष्णवी का चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी बोल रहे कि मैं 2-3 शब्द बोलूं, और मैं सोच रही थी कि मैं कैसे आई हूँ यहाँ पे। मैं विदेश में हूँ और सबको ऐसा लगता है कि विदेश में बहुत है, यहाँ पे पैसे है, कुछ एजुकेशन है, कुछ है, पर मैं कैसे आई हूँ यहाँ पे। पहले गुरुदेव की अनुगत में, जो लोग गुरुदेव की अनुगत में आते हैं तब वो पता चलता है कि क्या है, वास्तविक सुख क्या है। जब तक ये मिलते हैं वो सुख मिलते हैं, सुख का When one realizes that they have gained happiness from Srila Gurudev, you want to leave everything for Srila Gurudev. मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो जब सब कुछ छोड़ के आ जाते हो गुरुदेव के अनुगत में तो आप सब कुछ छोड़ सकते हो। और मैं मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा काम, मेरा नौकरी, मेरा देश सब कुछ छोड़ के गुरुदेव के पास आई हूँ। और मेरा ये मेरा लक्ष्य नहीं है पर श्री गुरुदेव का है। वो ऐसा बनाया है हमको कि सब कुछ त्याग करके ब्रज धाम के वास करने के लिए। तो विदेश में कुछ नहीं है, जहाँ तक वो वैष्णव होते हैं या सब कुछ मिलते हैं। और जैसे देश में जाते हो और कुछ ना मिलता है, और जब तक ये वैष्णव आते हैं और सुनते हैं इसके बारे में तब आपको थोड़ा सा पता चलता है कि क्या मिल रहे हैं और क्या फल मिल रहे हैं। और तब आप भाग के जैसे स्थान पे हैं, जैसे ब्रज गोपिया का
सब कुछ त्याग करके वो कृष्ण के चरणों में चले गए थे। जैसे ऐसे होगा कि एक दिन एक दिन मैं भी जाऊंगी गुरुदेव, सब त्याग करके गुरुदेव के चरणों में शरणागति करके जाऊंगी। तो ये फल है मेरा के मेरे मिलने में गुरुदेव को, गुरुदेव आए और मेरे को विदेश ऐसे जगह लंदन से जगह जो है जैसे माया का चारों परिवार के सब 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 कुछ देखते वो माया है, और यहाँ से ले आके मेरे को प्रभु जी के पास ले आए, महाराज जी के पास ले आए कि मैं हर पल क्षण में मैं गुरुदेव की याद में आ सकती हूँ और राधा कृष्ण का महिमा सुन सकती हूँ। तो ये है मेरा लेकिन वो आनंद, इसका जो जीवन था वो आनंद और सुख रहते हैं, आनंद काम थे। लेकिन जो बाहर का जो विदेश है ना, वो ऊपर इतना बड़ा चकाचौंध लगता है, ये बड़ा बड़ा रोड है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, लेकिन आत्मा की जो आहार है ना, उदाहरण दिया जैसे कि पिंजरा है, पिंजरा में एक तोता रहता है। अगर तुम पिंजरा को पेंटिंग करते रहो, अगर तोते को भोजन नहीं खिलाओ क्या होगा, तोता तो मर जाएगा ना। ये शरीर एक पिंजरा है, इसको ब्यूटी पार्लर में ले जा रहे हो, उसको शैम्पू लगा रहे हो, उसको सजा रहे हो, लेकिन आत्मा की जो आहार है ना, वो भगवान की भक्ति प्रेम है, है? अगर उसको अगर आहार नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, तोता मर जाएगा। इसलिए कहती मैं जीवन में अशांति ढूंढ रही थी, आनंद ढूंढ रही थी, इतने पैसा रहते हुए भी हमें शांति सुख नहीं मिल रही थी। लेकिन जब गुरु जी, हमारे बड़े गुरु जी के शिष्य आए, जब गुरु जी की शरण में आई, जो भजन की ना, तब मेरे को असली आनंद। क्या कर रहे हो, तीन घंटा बैठ मतलब उसको तो बढ़िया ना उनको जब जगह। इसलिए असली जो आनंद है भगवान की भक्ति और भगवान भजन है, तभी वो कहते हैं मैं इनको छोड़ करके भारत में आया हूँ कि शांति ढूंढने के लिए, हमें शांति कैसे मिले। हाँ, जिनको पास में माला नहीं ना, जिस पास में माला तो मत लो, जिसका माला नहीं लो, और यहाँ पर एक माला जप करके प्रसाद लेकर जाओ, फटाफट दे दो, जिसको पास में नहीं उनको पास में। हरे कृष्णा, हाँ देख इधर देखो, मेरे तरफ में देखो, कैसी माला जब कर दो, मेरे तरफ में देख लो, बैठ जाओ, हरे कृष्णा इधर देखो मेरे तरफ, ये माला कैसी जब कर दो, देख लो माला को, हरे कृष्णा देखो ये माला को मेरे तरफ में, जब ये माला जब करोगे, ये जो अंगुल है इसमें लगाना नहीं, ये गंदा अंगुल, कहते ना हम तुमको देख लेंगे, सबसे पहले ये निकलता है, इसलिए इसको बाहर निकाल करके ये बीच वाले ये सुमेर हुए इस तरफ से हरि नाम करना, जैसे हरे कृष्णा बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, बोल करके एक मोती सरकेगा, दो बार बोल के दो मोती सरकेगा, जब यहाँ खत्म हो जाए इसको पार नहीं करना, इसको फिर घुमा देना। देखो एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया,
बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका भोजन है, लेकिन भगवान एक शिक्षा देने के लिए बोले देखो मैं सबको घर में भोजन नहीं करता। बोले प्रभु किसको घर में भोजन करता हो? ध्यान दे कृष्ण। बोले जो लखपति बनेगा उसको घर में भोजन करूंगा। और आज से 550 साल पहले लखपति मतलब है जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हो, है 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा हो। बोले भैया हमारे घर में तो 100 रुपया भी नहीं, क्या फिर हमारे घर में भोजन नहीं करोगे? देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं। बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन? बोले रोजाना जो 1,00,000 का नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे पत्ती में बिखरा हूँ गली गली। इसलिए असली धारकों का नाम। लेकिन लखपति कैसे बनोगे? देखो मेरे तरफ में जैसे एक माला सरका है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना वाला हो गया? 16 बार हो गया। जब पूरी एक माला खत्म हो जाएगी फिर 2 बार करेंगे, ऐसे अगर 16 माला जब कर लिया तो हो गया 25,000। अगर 64 माला किया ना हो गया 1,00,000। बोले 1,00,000 तुमने माला नहीं की, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गई। इसलिए हरिनाम नहीं कर रहे हो, असली माल को जब कर रहे हो। देखो यहाँ पर हम कितने भक्त हैं, करके 150 भक्त बैठे हैं, 150 भक्त। लेकिन माला तो आप एक करोगे, लेकिन पता है कितने माला करने का फल मिलेगा? कितना 1,00,000 रुपया जमा हो जाएगा? समझो आज तुम्हारे नाम पर 3,00,000 रुपया तुम्हारे बैंक में जमा होगा। 3,00,000, क्योंकि यहाँ पर जितने भक्त लोग जब नाम करेंगे ना सभी की आवाज सबको कानों में पड़ेगा, पड़ेगा तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा। इसलिए सबके सब नाम करना, जो करेगा उसको पाप तो उड़ जाएगी लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं। इसलिए सबके सब मेरे साथ में करो, आंख बंद कर लो, समझो वृंदावन में बांके बिहार जी के चरण में बैठे, ठीक है? इसको बाद में आरती प्रसंग लेकर करना। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक भक्त सरकेगा, बोला सबके सब बोलो, जो बोलेगा नहीं उसको ऊपर सर पाप बैठेगा, मेरे साथ में सब बोलो। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पूरी हो गई ना। हम लोग सब माला वापस भेजना, कोई लेना नहीं पाप लगी इसलिए माला कोई लेना नहीं, सब वापस। दो चार व्यक्ति खड़े होकर के माला फेंक कर लो, प्रभु जी एक बढ़िया भजन गाओ, आप लोग तैयारी करो। हाँ सब एक लाली कल गाई, आज बहुत टाइम कल को कल गाएंगे, ठीक है भजन कल गए, अब पहले आ गए बीच में आ गए। हरे कृष्ण माला दे तो कोई वापस लेना नहीं, कोई लेना नहीं, सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी भजन गाएंगे। आज फल किसने दिया है, आज फल किसके तरफ से फल आ जाए, विनोद की तरफ से, विनोद विनोद ठीक है, विनोद भैया है इधर, विनोद जी है इधर भैया है, अरे भैया तो कल बड़े काम आ गए, I'm
Oh,